ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रा, इसको कहते हैं एटलस। एटलस के अंदर बेसिकली ये जो एंटीरियर, मतलब कि इसके जो साइड है, एंटीरियर साइड इसको, और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड को कहते हैं आर्टिकुलर ओवल कैविटीज़। आर्टिकल ओवल कैविटीज ये इसलिए होती हैं ओवल क्योंकि यहाँ पे कंडाइल जो होते हैं ना, फॉर जो कंडाइल होते हैं मतलब स्कल के, वो यहाँ पे आके तो ऐसे मतलब मूव करते हैं। ठीक है, इसके जो दरमियान है ये तो सबको ही पता है कि ये फोरामेन है, वर्टिब्रल फोरामेन। तो अगर पूरी की बात कही जाए तो ये वर्टिब्रल फोरामेन है, और उस लिहाज से देखा जाए तो ये इसका नाम है इसको कहते हैं फोविया डेंटिस। ठीक है, इतनी जगह तो यहाँ पे, क्योंकि जो डेंटाइड प्रोसेस होता है वो आके ऐसे मतलब रोटेट करता है, इसको बस कह रहे हैं फोविया डेंटिस, और पूरे को कह रहे हैं वर्टिब्रल फोरामेन। और ये जिसके हैं दो ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, इसको बेसिकली कहते हैं विंग्स ऑफ एटलस। तो जो विंग्स ऑफ एटलस हैं ये आर्टिकुलर, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, इसका कोई आर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होता और कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। इसका ये जो है मतलब ये वाला है, इसको कहते हैं डॉर्सल ट्यूबर, और ये जो है वेंट्रल ट्यूबर है। इसके ऊपर सिर्फ तीन फोरामेन है, ये वर्टिब्रल फोरामेन, और ये जो बाहर को निकल रहा है उसे एलर फोरामेन, और जो बाहर को निकला वो एलर फोरामेन, और ये जो अंदर को जा रहा है ये लेटरल वर्टिब्रल फोरामेन। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये डॉर्सल ट्यूबर और ये वेंट्रल ट्यूबर है।